प्रिविलेज टू बी विद यू फॉर फ्यू मिनट्स। और सुप्रभात मेरे मित्र और फिर से ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज की सुबह मैं आपके बीच में हूँ वेलकम ऑल ऑफ यू हु आर लिसनर्स टू दिस मॉर्निंग मेडिटेशन ऑन ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे और मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सबका जो इस सुबह की मनन में हमसे जुड़ते हैं जो कि मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार को हम करते हैं The world has celebrated the resurrection of Jesus Christ last Sunday. और पिछले रविवार को विश्व भर में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के रविवार के रूप में मनाया गया सो द्री मेडिटेशन दिस वीक जो तीनों मनन हमारा रहेगा वो इसी अध्ययन के ऊपर रहेगा कि कैसे एक रहस्य है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दीस मेडिटेशन इज टेकन फ्रॉम दल अकोर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर ट्वेंटी और इस मनन का जो हमने वचन है उसे लिया है मति रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय पहले वचन से लेकर के पांचवें वचन तक लेट मी रीड फर्स्ट इन हिंदी महेंद्र और पहले मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ूंगा उसके बाद मैं इसका अनुवाद हिंदी में आपके लिए करूंगा आफ्टर वीक Mary Magdalene and other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow.

और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था उसके भय से पहरुए काप उठे और मृतक के समान हो गए स्वर्गदूतों स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो रिमार्केबल ग्रेटेस्ट इवेंट इन हिस्ट्री और मेरे मित्रों एक अद्भुत रहस्य है जिसे पूरे इतिहास में एक सबसे बड़ी बात को छुपाए हुए है नेवर सच एन इवेंट बिफोर And never after this, उसके समान कोई ऐसी घटना ना कभी घटी और ना घटेगी which is the resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead. और जो था प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मरे हुआ मसी द सीन ऑफ resurrection वॉज नॉट विटनेस्ड बाई एनी ह्यूमन आई और याद रखिए कि पुनरुत्थान जो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान था इसको देखा किसी भी मानवीय आंख ने देखा नहीं या इस पुनरुत्थान गवाह नहीं और ना ही किसी इस ऐसी गवाही को या ऐसी किसी मनुष्य की गवाही को चारों सुसमाचार के लेखक अपने लेख में इस बारे में बात करते डिटेल सीन ऑफ क्रूसी उन्होंने बड़े ही अच्छी तरीके और स्पष्ट रूप से प्रभु के क्रूस पर चढ़ाए जाने का जो दृश्य है उसका वर्णन किया है और उस कब्र को बंद किए जाने का वर्णन किया है एंड द रोम गॉड्स वॉचिंग दूम और वो जो रोम के सैनिक थे जो उस कब्र की रखवाली कर रहे थे और उन्होंने इस बात को भी लिखा है कि किस प्रकार से उस कब्र को मोहर लगाकर बंद कर दिया गया They then record the open grave. और उसके बाद वो लिखते हैं अपनी पुस्तक को अपने लेख में वो खुली हुई कब्र के बारे में बट इट वॉजो लेकिन ये खाली कब्र खुली हुई कब्र खाली भी मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक और सप्ताह के पहले दिन की सुबह सुबह तभी वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार जो स्त्रियां वहां पहुंची थी उन्होंने उस खुली हुई कब्र को देखा जो खाली थी बट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दीज इवेंट्स दिस टू पेंडस इवेंट बाई विच द ग्रेव वॉज एमटीड इज नॉट रिकॉर्डेड लेकिन कैसे इस अद्भुत घटना ऐसी अद्भुत और बड़ी घटना हुई कि कैसे ये कब्र खाली थी इस बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया गया इट इस

और जो सबसे निकटतम इस रहस्य प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के निकटतम पहुंचता है वो है मती का सुसमाचार एंड इट वाज हिज रिकॉर्ड दैट वी रेड और ये तो उसका इतिहास या उसने जो लिखा है उसी को हमने पढ़ा बट ही रेक लेकिन वो भी सिर्फ कब्र को खोले जाने के बारे में लिखता है And this act was done by the angels. और इस कार्य को स्वर्ग दूत पूरा करता है स्टोन अवे लेकिन ये तो स्वर्ग दूत ही था जिसने कब्र के उस पत्थर को उससे हटा दिया So, uh, what does that mean? इसका क्या मतलब है से बहुत पहले ही बाहर निकल आया था इससे पहले कि वो स्त्रियाँ सुबह उस कब्र पर पहुंचे या स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आए saw it

इवेंट सो so, ये हमारे लिए नहीं है कि हम इस घटना का वर्णन करने की कोशिश करें एंड बिकॉज़ वी डू नॉट नो एंड वी हैव नो वे ऑफ नोइंग हाउ द इवेंट एक्चुअली हैपेंड क्योंकि ये कोई भी तरीका हमारे पास नहीं और ना ही हम जानते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की ये पुनरुत्थान हुआ बट देर इज वन क्वेश्चन वी मस्ट डील विद लेकिन एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हमें करना है व्हाई वर द डेथ

और जबकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसका स्वर्गरोहण काफी लोगों की आंखों के सामने हुआ वहीं दूसरे हाथ पर इस पुनरुत्थान की घटना के बारे में हम क्या कहेंडेशन ऑफ क्रिस्टियानिटी जो कि पुनरुत्थान की एक घटना जो कि मसीहत का एक नींव है कि क्यों इस घटना को किसी भी मानव ने अपनी आंखों से नहीं देखा

There is only one thing that was certain. लेकिन एक ऐसी बात है जो निश्चित ही हुई as the women approached the grave कि जैसे वे स्त्रियां उस कब्र के निकट पहुंची the stone was removed उस पत्थर को कब्र के मुख से हटा दिया गया the only answer is it is for our advantage और जो सिर्फ एक ही उत्तर इसके प्रति हम दे सकते हैं कि ऐसा हमारे लाभ के लिए ही हुआ परमेश्वर के ये हर समय के लिए रहे से बना रहे सो हाउ इज इट गोइंग टू बी इन आवर एडवाज तो कैसे ये बात हमारे लाभ के लिए हो सकती है दिस विच एल लुक इन टू इन आवर नेक्स्ट मेडिटेशन ऑन थर्स्ट और इस अध्ययन को करने के लिए हम अपने अगले मन, मनन को जो बृहस्पतिवार को होगा उस पर हम इस मनन को रखेंगे सो डू नॉट मिस इट तो इसलिए इस मनन को आप निश्चित ही देखें अगेन ऑन थर्सडे और कृपया करके दोबारा बृहस्पतिवार को हमसे जुड़े एंड इवन ऑन सैटरडे विच वी विल कंटिन्यू दिस मेडिटेशन टिल और Saturday. इस मनन को हम शुक्रवार तक जारी रखेंगे बट एज यू बिगिन टू आई होप आई हैव बीन एबल टू स्टर अप

फॉर अस जिस भी जिन भी बातों को प्रकट किया गया है वो हमारे लिए है नॉट रिवील लेकिन जो भी बातें नहीं प्रकट की गई इट बिलोंग्स टू गॉड वो परमेश्वर की है इसलिए होने दें हम जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के पास ही रहने देर आर सेटल लेसन एंड प्रिंसिपल्स वी कैन लर्न लेकिन कुछ शिक्षाएं हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं आप उस हमारे अनंत परमेश्वर की असीम योजनाओं के प्रति आप उसके वचन को मनन करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं and why Our God is a mystery God. और क्यों हमारा परमेश्वर एक रहस्यमय परमेश्वर है एंड सर्टनली मिस्टीरियस सर्टनली तो सच है की एक सच्चा और जीवित परमेश्वर का यह गुण है कि वो रहस्यमयी होगा सो so, डिंग द नेक्स्ट कपल ऑफ डे और इसलिए आने वाले कुछ दिनों में ट्राई टू रीड ऑल ऑफेंट ऑन संडे और इसलिए आप कोशिश करें सुमे चार चार प्रभु यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान की घटना को व्यक्त किया गया है आप उसके बारे में जरूर पढ़े आइए हम प्रार्थना करें थैंक यू दट यू आर दन एंड ओनली worthy God. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि सिर्फ आप ही एक योग्य परमेश्वर हैं. And since you are God, certain mysteries will set. डेफिनेटली सराउंड यू क्योंकि आप परमेश्वर हैं तो इसलिए कई सारे रहस्य आपके इर्द गिर्द बने रहेंगे। सर्टन थिंग्स यू कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने हम पर प्रकट नहीं हो सकता है वो हमारी समझ के परे हैं। लेकिन कोई भी कारण क्यों ना हो, only यू worthy गॉड our ऑफ तो हम आपके समुख अपने सिर को झुकाते हैं क्योंकि आप ही एक योग्य परमेश्वर Holy सो मे द होली best हु लॉर्ड गाइड अस इन आवर मेडिटेशन होने दे इसलिए तेरी पवित्र आत्मा जो सच्चा शिक्षक है हमारा इस मनन में मार्गदर्शन करे देर मे बी मेनी थिंग्स वी डोंट अंडरस्टैंड हो सकता है कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम समझते नहीं बट The one undeniable truth is that you died लेकिन एक सत्य जो ऐसा है जिसके विरुद्ध कुछ नहीं है वो ये है कि तू मरा और मरे में से धन्यवाद। यीशु के नाम ग्रेट डे माय फ्रेंड मेरे मित्र एक महान दिन है ये एंजॉय दिस डे इस दिन का आनंद आप ले रिम्बर द रेसरेक्टेड क्राइस्ट इज योर पोर्शन योर स्ट्रेंथ एंड योर लाइफ And he is with you. और याद रखिए वो पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर ही आपका जीवन आपका अंग आपका भाग और आपका शांति है आमें. आमें.